मैं बना रही हूँ मूली का परोठा अपने स्टाइल में, मूली के परोठे से सब बनाते हैं, मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। ये मैं मूली कतर रही हूँ, आप देखो मूली कतर आधा मूली कतर चुकी, मैं मूली कतर ही बनाऊंगी मूली के परोठे ब्रेकफास्ट में। मूली कतर ही नहीं, मूली कतर कतर के रख दूंगी। मूली मेरे कतर चुकी है, मूली मैंने कतर दी, ये रे मूली। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक डाल के छोड़ दूंगी थोड़ा देर के लिए, हल्का नमक डाल के छोड़ दूंगी हल्का। ये देखो हल्का नमक डाल के छोड़ दे दूंगी। ये है मूली कतर दी। अब ये रही मेरे पास तीन टमाटर, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। ये रही चार प्याज, ये हरा धनिया है, ये पुदीना हरा धनिया मैंने काट कर रखा है, साग रखा है। मैं चटनी बनाऊंगी, ये टमाटर को मैं पकाऊंगी, हमारे पहाड़ी स्टाइल में पहले पकाती हूँ। टमाटर को पकाऊंगी मैं गैस में, ये जमा दी मैंने गैस, ये पकड़ दिया टमाटर चिमटा से, ये ऐसी गैस में रखूंगी, इनको पहले मैं पका दूंगी। ये देखो आप ही बनाते रहे अपने घरों में, मेरे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, आपको अच्छा लगा। पहाड़ी स्टाइल का है पूरा पूरा पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी। टमाटर को पहले पका दूंगी, पका के टमाटर की चटनी बनाती है, हमारे साथ पका के अच्छा होता है, सब पका दिया पहले, सब चटनी बनाती हूँ। ये मैंने गैस में रख दी टमाटर पकाने के लिए, और सब में मिक्सी निकाल दूंगी, दाल दाल में निकाल दूंगी, हल्का हल्का पकाऊंगी क्योंकि छिलके निकल गए, छिलके निकल जाएगी, ऐसे पकाऊंगी, इसे ऐसे पकाऊंगी दोनों तरफ। एक पक गया, दूसरे पकाने में अपने स्टाइल में बताऊंगी। पहाड़ी पहाड़ी स्टाइल में परोठे के सबन थे मूली के, इधर मोटे बनाती हैं, अब देखना आप देखते रहना। दो टमाटर पका दिए मैंने, किस समय पका रही हूँ। आज मैंने चटनी और मूली का परोठे बनाना है चाय के साथ, यही है नाश्ता बनाऊंगी। ये मैं पका देंगे टमाटर, मैं काटूंगी इसमें थोड़ा दो प्याज, दो प्याज को मैंने तो उसके लिए भी रखा है, तो ना मैं मूली में डालूंगी क्योंकि टमाटर में मैंने डाल दी प्याज, ये डाल दी मैंने हरी मिर्च डाल दी, ये देखो हरी मिर्च, ये डाल दिया मैंने पुदीना, पुदीना डाल दिया, ये डालूंगी मैं धनिया, थोड़ा धनिया में इसमें डालूंगी मूली के परोठे में, धनिया काट के डाल दिया मैंने इसमें, इसमें धनिया काट के डाल दिया, एकदम डाल दी, ये डाल दिया मैंने, ये डालूंगी मैं परोठे में। ये देखो टमाटर के ऐसे छिलके निकल गए, ये पक गए तो छिलके निकल गए, टमाटर के छिलके निकल गए, अपना छिलके निकल गए टमाटर ही, दो कोई मैं डालूंगी छिलका निकाल गए। ये देखो छिलका सब निकल गए, इसमें अच्छा रहेगा, मैं बाहर के लिए निकल गए तो टमाटर गिर जाएंगे, तो मैंने मिक्स में डाले काट के, अभी थोड़ा पीस दूंगी तो उन दोनों को डालूंगी जो बनी हुई, मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक डाल दिया मैंने चटनी में, इसको थोड़ा देर पीसूंगी क्योंकि
अभी टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं आटा गूंथ के बताती हूँ। तो लिए आटा गूंथ, ये मैंने आटा रखा है, आटा बिल्कुल भी पलटे के लिए मैं डालूँगी हल्की कस्तूरी मेथी। देखो हल्की से कस्तूरी मेथी, मैंने हल्की कस्तूरी मेथी डाल दी इसमें। मैं अपने पलोटे दूसरे स्टाइल में बनाती हूँ, अलग स्टाइल है। चलो मैं हल्का डालूँगी मैं नमक, हल्का बाहर भी नमक रहेगा आपका, अच्छा लगेगा ना। थोड़ा डाल दूंगी मेथी, भूनने में तो कच्चे नहीं रहते, थोड़े डाल दूंगी मेथी। अब मैं इसको भूनूंगी, तेल और ये मिक्स कर दिया मैंने और फिर मेथी। उसे पानी भरूंगी, थोड़ा नल से पानी भरती हूँ। मैं आटा गूंथूं, ये मैं गूंथ रहा आटा। आटा गूंथ ली क्योंकि इसमें तेल डाला मैंने, ताकि ये थोड़ा परोठे अच्छे बनेंगे। और फिर ये डाली तो इसको खुश पाएगी परोठे पे, मूली के जगह अच्छा आ जाते हैं। गोभी में तो थोड़ा टाइम लगेगा आटा भूनने में, आप देख लो ना। मैं आटा भून चुका है, लोई बन गई, आटा ऐसा रख दूंगी। फिर मैं आप चटनी पीस की चटनी पीसना शुरू कर दूंगी। फिर मैं चटनी पीसना शुरू कर दी हूँ, मिक्स कराऊंगी। चटनी पीसूंगी मैं आराम से। अब फिर मिलते हैं चटनी पीसने के बाद। काटूंगी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया, धनिया काट के डालूंगी मूली में। जब मैं परोठा बना रही धनिया के काट के मिनट में डाल दी कटोरी में, कटोरी में धनिया डाल देती मैं काट के। थोड़ा हल्का सा प्याज में काटूंगी, हल्के से प्याज काट देंगे, प्याज काट के भी डालेंगे इसमें, अच्छा लगता है। प्याज काट के डाल के परोठे अच्छे स्वाद आ जाते हैं। वो दिन के बाद मैंने बनाया मूली के परोठे, मूली वाला आ रहा था फल, मैंने बोला चलो आज बना देते, बच्चे बोले हरी चटनी मूली के परोठे चाय साथ में। ये काट दिया मैंने मूली के ऊपर प्याज, मैं मूली को जो मैं नमक डाला था उससे इसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा, सूखी बन जाएगी मूली। ये देखो मूली सूखी बन गई, इससे टाइट करके निचोड़ दूंगी मैं।
जैसे पानी निकल गया वही नमक से, नमक कतर के जब तुम रखोगे तो नमक जरूर डालना, उससे पानी पूरी मूली का पूरी पानी निकल जाते हैं तब अच्छा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा उधर कर दूंगी, दो मूली के बच्चे उससे ले लिया मैंने, उधर दो बच्चे थे, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर थोड़ा हल्का, ये देखो हल्का धनिया पाउडर डाल दे। हरी मिर्च डाला था काट के, पर हरी मिर्च में नहीं डाली क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते, लाल मिर्च डाल दी मैंने थोड़ा, ये डाल दी मैंने थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, इधर नमक से मैं इसको मिलाऊंगी, मैंने मिला दिया थोड़ा, हाँ से ही मिलाऊंगी, हल्दी नहीं डाल, हल्दी नहीं डालती इसमें, हल्दी डालेंगे तो थोड़ा कड़ापन आ जाएगा इसलिए हल्दी नहीं डाली। ये देखो ये हो गई मेरी मूली तैयार, ये तैयार हो चुकी है, हमें सुरखा की परोठा बनाने नाश्ता और सुखी ले दिया मैंने तवा, ये है मेरे डब्बे में घी, घी मैं ही बनाऊंगी, ये आटा गूंद रखा मैंने, ये मेरा बेलन, बनाती मैं मूली के परोठे, देखिए ना परोठे बना के मैं फिर आपको बताती हूँ। लेने वो ही बड़ी बनाना, काफी मोटे बनेंगे परोठे, ये देखो तो ये ऐसे बनाओ मोटे मोटे परोठे जिसको बोलते मूली के, मोटे मोटे ये बना दी मैंने लोई, इसके अंदर डालूंगी मैं मूली, मूली डालूंगी इसके अंदर, पहले मैं इसको ऐसे गोल कर दूंगी फिर भरूंगी मूली, ऐसा करके भरूंगी टाइट हो जाएगा, खूब भरेंगे खूब अच्छी तरह से तब अच्छा रहता है, कुरकुरे बन जाते हैं। भर दिए मैंने मूली, ये देखो अब मैं बंद करी इसको ऐसे करके, आप भी बनाओ अपने घरों में, परोठे तो सब बनाते मूली के, और मेरा थोड़ा दूसरा स्टाइल है, मैं उसको ज़्यादा भरती हूँ अंदर, ये बन गए हैं। ये मैंने बंद कर दिया है, मूली बन गए, ये बन गए, ये बन गया परोठा, मैं बताया कि फिर बना के बताती हूँ आपको, ट्रेनिंग पे मिलती हूँ फिर मिलती ट्रेनिंग। ये देखो एक परोठा मेरा बन चुका, दूसरा बना लिया, इसके अंदर मूली डालूंगी ऐसे, ये देखो मूली डाल दी मैंने, भाजी मूली, इसको बंद कर दूंगी ऐसे, मैं बंद करूँगी आराम से, ये बन गया आराम से बंद हो गया,
बन गई। ओके मैं बनाऊंगी देसी घी में, देसी घी है। खांसी बंद नहीं हुई। फिर मैं दूसरा बनाऊंगी, ऐसे करके मैं सब बनाऊंगी, क्या करके सब बनाऊंगी, क्या रखाऊंगी इसके अंदर, फिर रखूंगी ऐसे करके मूली टाइट करके। देखो ये बन गया, बनाते रहूंगी मैं, पूरी बनाऊंगी, देसी घी में बना दूंगी, देसी घी में ही अच्छा लगती है, फिर मैं वो कुछ नहीं करती हूँ, देसी घी में ही बनाऊंगी, देसी में खाऊंगी। बन चुके हैं, फिर मैं मिलती हूँ डाइनिंग पे, तब तक मैं बना रही हूँ। चटनी भी मैंने पीस दी, ये मैंने चटनी बना दी है, ये चाय साथ में चाय बन रही है, पहाड़ी स्टाइल का नाश्ता है। ये मेरे मूली के परोठे बन गए सब, ये देखो मूली के परोठे बन के तैयार हैं। अब मैं चाय लेके चटनी वगैरह लेके आ रही डाइनिंग में, फिर मिलते हैं डाइनिंग पे, तब तक। ये देखो दोस्तों मेरा पहाड़ी स्टाइल का नाश्ता, मूली के परोठे हैं, ये चाय है गिलास में, हम गिलासी में पीते हैं, ये मैंने चटनी बना दी, चटनी के साथ खाएंगे परोठे, मूली के परोठे। आप भी आ जाओ नाश्ता करने को, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सादा बनाती हूँ, जैसा आपको अच्छा लगा वैसे कमेंट करना।